Okay. तो सबने आसन ग्रहण कर ही लिया है, तो श्लोक का एक्ट शुरू होने से पहले हम थोड़ा सा अल्पोपहार करेंगे। श्लोक, नाश्ता लेके आओ। अरे बैठिए बैठिए, मिलेगा मिलेगा। अरे ये क्या, मेहमानों को पहले पानी पिलाते और बाद में नाश्ता, भूल गए सारे रूल्स। मुझे माफ कर दीजिए। व्हाट माफ कर दीजिए? रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना कर रहे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे बच्चे के साथ ऐसे नहीं कर सकते। एक्टिंग सिखाने के नाम पर मेरे बच्चों से नौकरों की तरह काम करवा रहे हो। तुम लोग जानते नहीं हो मेरे कॉन्टेक्ट कितने बड़े हैं। मैं चाहूं तो तुम लोगों की बैंड बजा सकता हूं। एक मिनट मिस्टर प्रकाश, एक मिनट, ये वीडियो देख लीजिए फिर पता चल जाएगा किसकी बैंड बजेगी। देखिए ये तो हमारा घर है। जी बिल्कुल, आपका ही घर है और आपके घर में एक नन्ही बच्ची कोमल से देखिए आप क्या काम करा रहे हैं। तो अब बताइए बैंड किसकी बजेगी? पूर्णिमा, श्लोक को सिर्फ 5 मिनट के लिए नौकर बना हुआ देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। सोचो इतने दिनों से कोमल पर क्या बीत रही होगी। ज्योति, हमने कोमल के साथ ना कोई नाइंसाफी नहीं की है। अगर उससे काम करा है तो पैसे देकर उसकी मदद भी की है। पूर्णिमा जी, कोमल की अगर आप मदद करना चाहते थे तो दूसरे भी तरीके हैं मदद करने के। इस तरह आप उससे आपके घर का काम नहीं करवा सकते। ये जो किया है ना आपने, वो चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत एक गुनाह है। इट्स अ क्राइम। और अगर पुलिस ने आपका ये वीडियो देख लिया ना तो आप दोनों को सजा भी हो सकती है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट पूर्णिमा, इनकी बात सही है। अगर किसी ने हमारी कंप्लेन कर दी तो हम पे केस हो सकता है। मिस्टर राजेश, हमें माफ कर दीजिए। कोमल को हायर करते वक्त हमने ये बातें नहीं सोची। हमने सिर्फ हमारी जरूरत की बातें सोची और आशा की मजबूरी का हमने अनजाने में फायदा उठाया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.